It is a tendency of any atom to attract bond pair of electron towards itself. किसी भी एटम की वो टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. उसे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं. एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लाइटिंग का बताना, ये बेटर है या ये बेटर है? सर दिस इज बेटर. ठीक है, और यदि ज्यादा ऑटो फोकस होता है तो वो भी मुझे थोड़ा सा बताना, क्योंकि मैंने अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज किया, उसमें जो फ्रंट कैमरा है वो ऑटो फोकस मोड पे ही है, मैं चेंज उसे बंद नहीं कर पा रहा हूँ, या तो फिर मैं स्विच कर दूंगा वापस से पुराने वाले से इंस्ट्रूमेंट. इसका है कि थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बेटर है. सो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल. इतना और ऐड कर लो, इन अ covalently bonded molecule. Electron affinity tha tendency to accept electron from a outer atom, from an external atom. Aur ye humne define kiya tendency to attract electron pair from itself. Let's say we have hydrogen, chlorine. Chlorine has more tendency, hona to ye chahiye tha, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक को क्रॉस से डिनोट किया, एक को डॉट से डिनोट किया है, ये एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए था, बट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, सो दे आर मोर क्लोज टू द क्लोरीन, बजाय बीच में होने के क्लोरीन के ज्यादा क्लोज होंगे. सो इस पे पार्शियल, इसने 100% एक्सेप्ट नहीं किया है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. Such kind of tendency is called electronegativity. क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है, हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होता क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. अब हम इसे कंपेयर कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे? जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी टेंडेंसी था, उसको एनर्जी के टर्म्स में मेजर किया था, यहां पर हम कैसे मेजर करेंगे, तो वो मेनली अब हमें देखना है. हो गया इतना कॉपी? यस सर. यस सर. आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? एनी आइडिया विच बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड? Sir, this one is clear. Sorry? This one is clear. Yes, sir. I am asking which bond is stronger bond, covalent bond or ionic bond? Maybe covalent. Covalent bond. नहीं, ionic bond strong होता है. और इसका मैं थोड़ा simple सा example लेता हूँ. HCl में covalent bond है, ठीक है? ये gaseous phase में exist करते हैं. NaCl में आयोनिक बॉन्ड Na plus Cl minus, वो एक सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है. जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना ज्यादा अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना सॉलिड की तरफ जाएंगे, जितना कम अट्रैक्शन उतना गैस की तरफ जाएंगे. सो आयोनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? तो ध्यान रखना, आयोनिक बॉन्ड्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड. अब हम आते हैं ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव सेपरेशन पर. ये थोड़ा सा है तो कोवेलेंट बॉन्ड, बट इट इज गोइंग टुवर्ड्स द आयोनिक नेचर. ये आयोनिक नेचर की तरफ जा रहा है, इस पे स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ गया है. सो स्मॉल नेगेटिव के कारण इसमें कुछ आयोनिक कैरेक्टर है. यदि हम परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड से बात करेंगे, यदि हम इसे कंपेयर करेंगे HH जो परफेक्टली कोवेलेंट है, क्योंकि दोनों की सेम टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की, ClCl परफेक्टली कोवेलेंट है, तो इन दोनों से ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें आयोनिक कैरेक्टर आ गया है. सो जनरली इन जनरल ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इनके कंपैरिजन में. और भी फैक्टर्स होते हैं, बट वन ऑफ द फैक्टर ये है. सो जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन,
जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा हमारा। क्लियर? अब इसी टेंडेंसी से, इसी के थ्रू हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो वी हैव टू डिफरेंट स्केल, जैसे टेम्परेचर का केल्विन, फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, अलग अलग टेम्परेचर यूनिट स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के लिए। ऐसे इसके लिए भी हमने दो स्केल मेनली एक्सेप्ट किए हैं, वेल डिफाइंड है। फर्स्ट वन पॉलिंग स्केल, डेल्टा ए बी 23.06। पहले चलो पहले कॉपी कर लो, एक काम करो, उसके बाद फिर मैं से एक्सप्लेन करता हूं। Excuse me, sir. Yes. Sir, you told that ionic bonds are more stronger than covalent bonds, but diamond, which is allotrope of carbon, it is also bonded by covalent bonds, and it is the hardest substance. Basically, this is one of the factor to decide the strength of any compound. Yeah, but we have some more factors. So, in case of diamond, the other factors are dominating. Okay, sir. Not only this factor, but yes, this is the dominating factor, but not in all the cases. Okay, sir.
जस्ट वन मिनट में एक बार एब्सेंट वाले बच्चों का नाम डालता हूं फिर ओके पॉलिंग स्केल डेल्टा ए बी इक्वल टू 23.06 एक्स ए माइनस एक्स बी पावर टू एक्स ए एंड एक्स बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी है एग्जैक्टली क्या डिनोट कर रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी ए बी के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्लियर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इन कंपेरिजन टू ए एंड बी बी हमने ए बी एच सी एल का बॉन्ड स्ट्रेंथ लिया H2 का लिया Cl2 का लिया और उसका अंडर रूट ले लिया क्योंकि दो मल्टीप्लिकेशन है तो अंडर रूट लेंगे वो कंपनसेट हो जाएगा पावर 2 पावर हाफ सो व्हेन वी टेक डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्लियर मतलब एलिमेंट के जब बॉन्डिंग है और कंपाउंड में जब बॉन्डिंग बनी है यदि उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंस लेंगे दैट डिफरेंस इज कॉल्ड बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी एंड इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ये डिफरेंस आएगा सो डेल्टा ए बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए माइनस एक्स बी पावर टू क्लियर ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है कुछ क्या इतना हमें समझ में आता है क्यों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी अब इस केस में हमने एक बेसिस ले लिया एक अजम्पशन ले लिया जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड MgH अब वो ग्राउंड क्या है वो एक रेफरेंस है उसके नीचे जाएंगे तो माइनस MgH उसके ऊपर प्लस MgH हमने जो पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसका वैल्यू हमने ले लिया 4 फ्लोरीन का फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको ले लिया 4 अब फ्लोरीन से जब हाइड्रोजन को अटैच करेंगे HF बनेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कैलकुलेट किया हमने ये इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये वैल्यू सारे हमारे पास है H2 F2 HF हमने फ्लोरीन के लिए रखा है यहाँ पे 4 और XB हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर लिया ऐसे सारे एटम्स का कैलकुलेट कर लिया एक दूसरे से कनेक्ट करके सो बेसिस क्या ले लिया हमने एजम्पशन क्या ले लिया फ्लोरीन क्लियर एज्यूम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4.0 और इसके बेसिस पे सारे कैलकुलेशन परफॉर्म कर लिए गए क्या इतना क्लियर है एक्सक्यूज मी सर यस सर प्लीज अगेन एक्सप्लेन दैट पॉलिंग स्केल देखो पॉलिंग स्केल में हमने क्या किया हमें इतना पता है इफ वी हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर देन देयर विल बी मोर द बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्गर क्यों because they are going towards the ionic nature and ionic bonds are stronger than covalent bond in general we have exception for this but in general so jitna zyada ionic strength utna zyada uska bond strength hoga utna zyada bond dissociation energy hoga so greater the difference in electronegativity greater is the separation of charge del positive del negative more will be ionic nature greater will be bond dissociation energy ये जितना ज्यादा उतना ज्यादा ये होगा और ये जितना ज्यादा होगा इतना डिफरेंस ही होगा और वाइस वर्सा क्या इतना क्लियर है अभी यस सर चलो मैं कुछ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मतलब जस्ट थ्योरी है और उसे एक्सप्लेन कर लूंगा फिर
Is it visible properly? Yes, sir. Okay. पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर तुम्हें कॉपी करना है. फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, देन ऑक्सीजन इन द होल पीरियोडिक टेबल 3.5, देन बोरोन 2.8, कार्बन 2.5, कार्बन एंड आयोडीन बोथ आर सिमिलर, हाइड्रोजन 2. ये वैल्यूज लिखना है, उसके ऊपर का तुम ऑलरेडी लिख चुके हो. क्लियर? लिख लो इतना वैल्यू जल्दी से. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा था पूरे पीरियोडिक टेबल में, होना तो फ्लोरीन का ही चाहिए था, बट एक्सेप्शन आया था, क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था रिपल्शन उसमें इंक्रीज हो रहा था. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देयर इज नो एक्सेप्शन बिकॉज दे डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उन्हें तो सिर्फ अट्रैक्ट ही करना है अपनी तरफ, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है. दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अट्रैक्शन है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एक्सेप्टेंस था इलेक्ट्रॉन का, इसलिए वो एक्सेप्शन आ गया. मुलिकन्स स्केल्स सेकेंड वन सुनना पहले फिर कॉपी करना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ये इन दोनों का एवरेज है. अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की. क्या इतना हमें समझ में आता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. Greater the tendency to accept electron, greater will be electronegativity. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. अब हम जाते हैं second value पर, ionization potential पर. Ionization potential जितना ज्यादा होगा क्या हम बोल सकते हैं उतनी कम tendency होगी electron को donate करने की. Greater the ionization energy, lesser the tendency to donate electron. Is that okay? Yes. If ionization energy is more, tendency to donate electron is less. That means more attraction is there towards the electron. That is the definition of electronegativity. So higher the value of electron affinity, higher the ionization potential, greater will be electronegativity. दोनों का value electron volt में लेंगे और उसका average out कर लेंगे, by 2 कर देंगे. तो electronegativity आ जाएगा Mulliken scale में. Electron negativity plus electronegativity equal to electron affinity plus ionization energy or ionization potential, both are same, by 2. अब क्वेश्चन आता है पॉलिंग स्केल. डेफिनेटली दो अलग अलग स्केल है तो अलग अलग वैल्यू मिलेगा. टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन आर डिफरेंट, क्लियर? वो सेम नहीं होते, अलग अलग होंगे. अब यदि वो अलग अलग होंगे तो यहां पर पॉलिंग स्केल का क्या हम इससे कुछ रिलेट कर सकते हैं? यस, वी कैन रिलेट देम. ये तुम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से रिलेट करने जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉलिंग स्केल में, तो डिनोमिनेटर में 5.6 आ जाएगा. क्लियर? उस केस में डिनोमिनेटर में 5.6 आ जाएगा. क्या इतना क्लियर है? हर्ष, काव्य? यस सर. काव्य शाह? मृदुला, मुग्धा? यस सर. यस सर. फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैं टाइम दूंगा ना लिखने का, बहुत कम लिखना है इसमें, पहले सुन लेना. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो फैक्टर तो हमारे फिक्स हैं, जेड इफेक्टिव एंड शिल्डिंग इफेक्ट. ग्रेटर द जेड इफेक्टिव, ग्रेटर द अट्रैक्शन, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मतलब वो ऑलमोस्ट वो सारे फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे इफेक्ट कर रहे थे. ग्रेटर द एटॉमिक साइज, लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट शेल, लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जितना कम साइज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा. ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन तो तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम्हें समझा देता हूँ. इन केस ऑफ HClO4, ये जो मैंने क्लोरीन का लिखा है ना यहाँ पे 3, ऐसा नहीं कि 3 वैल्यू फिक्स होता है. HClO4 एंड HClO, ये दो एग्जाम्पल ही. यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पे है +1. क्या लगता है, +7 वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या +1 वाला?
सर प्लस वन प्लस प्लस वन प्लस वन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, प्लस सेवन नहीं करेगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को प्लस सेवन करेगा ना, ग्रेटर द पॉजिटिव मोर द पॉजिटिवली। सो यहां पर सेंट्रल एटम दोनों क्लोरीन है, बट हियर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इन HClO4 इज मोर, सो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। गार्गी क्या एक्सप्लेन करना था, क्या लिखा था तुमने, विच कॉन्सेप्ट सर? सेकेंड वन मुलिकन स्केल। यस सर। ठीक है, फिर से बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। सेकेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या ये तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है अभी तक आयोनाइजेशन? अच्छा, हमने यहाँ भी तो पढ़ा है काफी डिटेल में। आयोनाइजेशन एनर्जी, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ग्रेटर द आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स ग्रेटर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एटम इलेक्ट्रॉन को इजिली नहीं छोड़ रहा है, उसका ज्यादा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो ये दोनों का हमने एवरेज वैल्यू ले लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और उसे बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या इतना क्लियर है? इज दैट ओके? चलो ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स, पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, क्लियर? ओके, पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज होता है, ये भी इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। पूरे पीरियडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का, मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम का। एप्लीकेशन पार्शियल आयोनिक करेक्टर, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा आयोनिक करेक्टर। वी हैव वन फॉर्मूला for the percentage ionic character with respect to electronegativity difference. So, यहाँ पर तुम देखोगे 16 delta x, delta x is electronegativity difference plus 3.5 delta x square is percentage ionic character. जो जितना ज़्यादा delta x होगा उतना ज़्यादा percentage ionic character. बाकी के दो अभी के लिए तुम लिख लो, ये तुम्हें chemical bonding में और अच्छे से explain किया जाएगा. Copy कर लो पूरा पेज.
दिशा गुंजन जब कॉपी हो जाए कंफर्म करना मुझे। यस सर। Yes, sir, done. Done, sir. Okay. Done, sir. चलो चैप्टर एक बार का कंप्लीट हो गया है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब हम। कहां से होमवर्क दिया था? आई थिंक मुझे शायद एक्सरसाइज 2 दिया गया था, राइट? यस सर। यस सर। तो एक्सरसाइज 2 डिस्कस करते हैं पहले। तो यू कैन टाइप योर डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 2 इन चैट बॉक्स फर्स्ट। Exercise 2 doubts. और मीटिंग लीव मत करना, ऐसा नहीं कि डाउट हो रहे हैं तो भागता हूं, क्योंकि अगेन ये तुम्हारा वापस नहीं होगा चैप्टर। और मैं एक्सरसाइज 2 डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेश्चन खुद से भी कराऊंगा फिर। Question number 5, exercise 2 from Prapti. When the following 5 anions are arranged in order of decreasing ionic radius, द करेक्ट सिक्वेंस डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियस में हमें इन्हें अरेंज करना है। चलो ऑक्सीजन फैमिली है एक तो पहले, और एक एफ माइनस एक्स्ट्रा है, सो और एक नहीं फ्लोरीन भी है, हैलाइड्स भी है कुछ कुछ, मैं बोर्ड पर लिखता हूं। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हमें कंपेयर करना है। एक ये हो गया, दूसरा आई हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन फ्लोरीन, इन्हें कंपेयर करना है। चलो इन सभी में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ये तो डेफिनेट है, आई माइनस सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इन दोनों की। So, I minus के बाद सेलेनियम 2 minus, Br minus 1, minus 2 चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर? मतलब एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लेसर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ग्रेटर द एटॉमिक साइज। अब सेम इसमें आ जाएगा O2 minus, F minus, है कोई ऑप्शन ऐसा?
Yes, sir. Fourth. Clear है? Yes, sir. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, कैसे वो डाउन द ग्रुप हमें चेंज करना है. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 9. जिनने नहीं किया है वो भी एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी में करेक्ट ऑर्डर. सो ए तो डेफिनेटली करेक्ट है. बी प्लस का आयोनाइजेशन एनर्जी बी से ज्यादा होगा. इसके लिए डिफाइन होगा आई टू, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. आई वन, आई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई वन. सो ए पार्ट इज करेक्ट. क्लियर. अब हम मैं सी और डी पे बैठे. ए करेक्ट है तो बी इनकरेक्ट होगा. सी पे चले जाते हैं हम. कार्बन एंड बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन. तो हमें कार्बन और बेरिलियम में कंपेयर करना है और फोर्थ में कंपेयर करना है बोरोन एंड बेरिलियम. सो फोर्थ इज डी ऑप्शन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट. यहां पर इसका NH2 कॉन्फिगरेशन तो ये कुछ होगा. बेरिलियम का बोरोन से तो ज्यादा होगा बट कार्बन से ज्यादा नहीं होगा. एक एलिमेंट नेक्स्ट से उसका ज्यादा हो जाएगा, सेकंड नेक्स्ट से ज्यादा नहीं होगा. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, याद है कुछ ऐसा हमने लिखा था. फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर हमने साइन चेंज कर दिया था आयोनाइजेशन एनर्जी. सो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन में एक्सेप्शन आ जाता है. आंसर ए सी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नाइन्थ क्वेश्चन. क्लियर प्राप्ति, पलक? यस सर. कंसिडरिंग द एलिमेंट boron, aluminium, magnesium and potassium, the correct order of their metallic character. Metallic character, alkali metals का metallic character सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम ionization energy होगा. So potassium का सबसे ज्यादा होगा. एक ही option है इसमें, potassium दिख रहा है. Potassium के बाद alkaline earth metal, magnesium, then aluminium. मतलब जिनकी वैलेंसी वन सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर, फिर ग्रुप टू के, फिर ग्रुप 13 के. तो सबसे ज्यादा पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, और बोरोन तो नॉन मेटल में काउंट होता है. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 10th क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन, फ्लोरीन. ये क्वेश्चन आज बनेगा तुमसे, सिर्फ 12th वाला था जो अभी तक कवर नहीं हुआ था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 18. 18 question for electron affinity of halogens. Which of the following is correct? Electron affinity of halogens. तो हमें वैसे तो पूरा trend ही पता है halogens का electron affinity का. Chlorine, fluorine, bromine, iodine. सिर्फ fluorine, chlorine interchange हो जाते हैं. अब check कर लेना कौन सा सही है. Clear? Fourth option is correct. 18th में. पलक clear है 18th question? Yes, sir. 19th. Consider the following statement. नहीं, 19 डॉट नहीं है. 23 है इसके बाद स्पंदन का. Among arrange the elements selenium, chlorine, sulfur in increasing order of ionization energy. So sulfur, chlorine को हमें compare करना है और selenium. Down the group ionization energy decreases. तो ये तो definite है selenium सबसे कम. लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सल्फर का कम, क्लोरीन का ज्यादा. सो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हुआ सबसे कम, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हुआ सबसे ज्यादा. सर एक्चुअली बैक साइड द आंसर इज गिवन एज थर्ड, दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज्ड. थर्ड सल्फर एंड क्लोरीन, नहीं क्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, गलत दिया है वो. Sir means answer 2 is correct na? Yes, 2 is correct. 24. Which of the following does not represent the correct order of properties indicated? Size ka to correct diya hai. First is correct. Nuclear charge. Nuclear charge sodium ka sabse zyada hoga, ye bhi correct hai. Electron gain enthalpy. ये इनकरेक्ट दे रखा है. थर्ड ऑप्शन
statement does not represent electron gain enthalpy. Lithium, beryllium, boron, carbon, left to right badhega. Ionization energy. Third is incorrect. उन्होंने left to right कम हुआ है electron gain enthalpy, मतलब electronegativity. Clear? हमारा left to right बढ़ता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, डेफिनेटली हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें नेगेटिव साइन के साथ. और वैसे भी बेरिलियम एक्सेप्शन है, तो कहीं ना कहीं बेरिलियम का जो दोनों तरफ सिमिलर एरो है वो एक एरो तो इन्वर्ट होना ही चाहिए, चाहे तुम पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन. 24 का थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है. फलक समझ में आया? यस सर. बेरिलियम NH2 कॉन्फिगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो आसपास वाले दोनों से ज्यादा होगा यदि नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, और नेगेटिव साइन के बिना लेंगे तो कम हो. 22 फ्रॉम मुग्धा. फॉलोइंग टेबल शोन सक्सेसिव मोलर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फाइव एलिमेंट्स ए बी सी डी ई. व्हिच ऑफ द एलिमेंट आर मोस्ट लाइकली टू बी सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सेम ग्रुप में कब होंगे? जब इनकी वैलेंसी सेम होगी. और वैलेंसी कब सेम होगी? जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं, चलो जो सही आंसर है वही तुम्हें बता देता हूँ कौन से होंगे. पहले की वैलेंसी कितनी होगी? 2,000, 4,600, 9,000. इंफॉर्मेशन दे रखी बी की प्लस वन, सी की प्लस टू. कैसे पता सी की प्लस टू? 740 1500 डबल हुआ, दैट इज ओके. 1500 से 7700 फाइव टाइम्स हो गया है, फर्दर बहुत ज्यादा चेंज है 1500 से 7700. तो सी का, सी में दो इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर पाएंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, वी कांट रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन इन सी. डी में 580 1800 2700 देन 11000. तो C के बाद जो D आया है इसका वैलेंसी होगा प्लस 3, बिकॉज 3/4 आयनाइजेशन एनर्जी इज क्वाइट लार्ज. जहां पे भी नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा एकदम से, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाएंगे. E में 420 के बाद सीधे 3100, मतलब ऑलमोस्ट 8 टाइम्स. तो E का होगा प्लस 1. सो B एंड E कैन शो सेम वैलेंसी. एक कोई ऑप्शन ऐसा समझ में आया मुद्दा? यस सर. देन क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम लरण्या. अमंग द फॉलोइंग ग्रुपिंग विच रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. आइसोइलेक्ट्रॉनिक मींस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सी ऑप्शन दिख रहा है. कार्बन मोनोऑक्साइड 8 plus 6 plus 8, 14 इलेक्ट्रॉन. NO plus, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर दिया है, 14. CN minus, 6 plus 7 plus 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 14. C2 2 minus, दो कार्बन 6 plus 6, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 14. So in C option, all atom molecule ions have same number of electrons. CO14, NO+14, CN-14, answer is C. Clear, Laranya? Yes, sir. चलो हम exercise 3 के कुछ questions करते हैं ताकि तुम्हें confidence आएगा. Class में कुछ questions practice करेंगे तो तुम्हें questions attempt करना है 17 to 28. 12 questions है, 17 to 28, exercise 3 part 1 अभी करना है. ये हम अभी डिस्कस करेंगे 12 questions. Try them right now. बुकलेट मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया है, यदि बाय चांस किसी ने कलेक्ट नहीं किया हो. I am giving you 12 minutes for these 12 questions.
चलो डिस्कस करें अभी। आर्या, आदित्य, दिशा, गार्गी हो गया है? Yes. Okay. Question number on this page 18 to 24. Doubts. You can unmute yourself. You can type in chat box which question need to be discussed. 18 to 24. कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? संजना का मैसेज है 19 and 20 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? द रेडियस ऑफ एन एनायन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एटम। हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, so the radius of an anion is larger than radius of parent atom. ये तो correct होगा, anion का radius हमेशा ज़्यादा होगा, first is correct. Second statement, the ionization energy generally increases with increase in atomic number in a period. No, ionization energy generally increases. हाँ, left to right in a given period, if we go left to right, atomic number increases, ionization energy increases. इसलिए हम metal से non-metal की तरफ जाते हैं. Statement 2 is also correct. Third one, the electronegativity of an element is the tendency of an isolated atom to attract an electron. यहाँ पे third statement incorrect है. Isolated atom नहीं होना चाहिए, covalently bonded atom होना चाहिए. यदि isolated atom होगा तो कौन से electron को attract करेगा? So electron negativity is the tendency to attract electron in a covalently bonded molecule. याद है, even मैंने बाद में add भी किया था, in a covalently bonded molecule. So isolated मतलब single atom, covalently bonded मतलब molecule के form में. So 1 and 2 are correct, third option 19 का. 19 का third correct है. Clear Sanjana? Yes. Answer किधर रखा है ना? Yes, answer 3. Next, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20. Among the following grouping, which represent the collection of isoelectronic species? Isoelectronic, ये तो अभी बताया ही था. इस टाइप का क्वेश्चन, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो. क्लियर? तो जिस पे भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो जाएगा, जैसा एक क्वेश्चन किया था बोर्ड पे भी. देन क्वेश्चन नंबर 21, नो डाउट इन 23. ये भी तो अभी डिस्कस किया ही था ना हमने. 23 भी नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं किया था, शायद साइज किया था हमने. Arrange the elements in the increasing order of ionization energy. हमें increasing order में arrange करना है ionization energy के. So down the group ionization energy कम होगी, selenium का सबसे कम, ये तो definite है. अब सल्फर क्लोरीन की बात करें, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो क्लोरीन का ज्यादा, सल्फर का कम, सेलेनियम का सबसे कम. सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर. सल्फर क्लोरीन सेलेनियम, सेम लॉजिक, यहां से यहां पे कम होगा और यहां से यहां पे बढ़ेगा. सबसे ज्यादा क्लोरीन का, सबसे सब कम सेलेनियम का. क्लियर है? 23rd शुभम. Yes, sir. अरे ये एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर रहे,
क्या कर रहे तुम, कुछ बोल भी नहीं, एक्सरसाइज टू था क्या? मैंने एक्सरसाइज थ्री में से डाउट दिए, होमवर्क दिया था, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? मैं एक्सरसाइज टू डिस्कस कर रहा था तो मुझे भी नहीं ध्यान रहा मैं कौन सा डिस्कस कर रहा हूं। चलो एक्सरसाइज थ्री पार्ट वन क्वेश्चन नंबर 17 to 26 ऑन दिस पेज। क्या इस पेज पे किसी का कोई डाउट, अनम्यूट करके बोलो। मैंने चैट बॉक्स सानी का तुमने इसी पेज के लिखे ना 21, 22, 23 डाउट्स। सानी का यस सर 21, 22, 23 क्वेश्चन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईयू GD and TB। ठीक है 21 और ज्यादा डिटेल में वैसे तुम्हें आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो भी नहीं भी कर पाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो मैंने पढ़ाया था बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में देख लेना। तो 21 यू मे लीव नाउ, काफी डिटेल में एटॉमिक में होगा भी, लास्ट हेडिंग आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 22 सेम ये भी उसमें ही कवर होगा वैसे तो। और हाँ ये प्रिडिक्ट करना है इट बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो फैमिली में जो भी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे मान लो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल यदि लास्ट कॉन्फ़िगरेशन P3 रहता है तो नाइट्रोजन फैमिली का, P4 रहता है तो ऑक्सीजन फैमिली का, P5 रहता है तो हेलोजन, और P2 रहता है तो कार्बन फैमिली, क्योंकि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट 2s2 2p2, और उसके बाद नाइट्रोजन का है 2s2 2p3, ऑक्सीजन का है 2p4, फ्लोरीन का है 2p5। तो जस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर, और ये चेक करना है लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है सबशेल का वो क्या है, P2 P3 P4 P5, उसके अकॉर्डिंग फैमिली डिसाइड हो जाएगी। क्लियर 22 सानिका? यस सर। देन 23 मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट एक्स टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। मतलब नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 7। सो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+2, नाइट्रोजन की होती है -3। सो दो नाइट्रोजन लेंगे 2 × −3 = 6, 3 मैग्नीशियम लेंगे 3 × +2 = 6, +6 − 6 Mg3N2। किस ऑप्शन में दे रखा है Mg3X2, सेकंड ऑप्शन है क्या 23 का? यस सर। देन स्पंदन क्वेश्चन नंबर 20 इसी पेज का है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस फर्स्ट इज ओके, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग आयनिक साइज सेकंड इज ऑल्सो ओके, जितने कम प्रोटोन उतना ज्यादा साइज, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी, दिस इज नॉट ओके, नाइट्रोजन इज एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड में नाइट्रोजन एक्सेप्शन है 2p3 कॉन्फ़िगरेशन के कारण, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगा, इज दैट ओके स्पंदन? सर बट फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, हां फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट, उसमें क्लोरीन सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। Fourth is also incorrect. Three and fourth, both options are incorrect. और मुझे ऐसा याद है जब नीट में आया था तो शायद दोनों ही आंसर फिर उन्होंने करेक्ट एज्यूम किए थर्ड एंड फोर्थ। ओके सर। देन क्वेश्चन नंबर 26 ये पढ़ाया गया है ना तुम्हें वैसे कॉमन नेम उनोनिलियम ये सब कुछ? यस सर।
और ये लास्ट ईयर आया वो एनीट में, ये तो फिर याद ही रखने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं किया जा सकता इनका। मतलब किसका नेम क्या है, आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम 2020 में ही आया है ये, तो फिर पीरियोडिक टेबल मतलब इवन मुझे भी याद नहीं है कि उनोनिलियम मतलब मेंडेलियन क्या बोलते हैं, किसका क्या नाम है। तो मैं तुमसे शेयर कर दूंगा नेम, तो फिर तुम कॉपी कर लेना, याद कर लेना। हाँ एनसीईआरटी में है इसलिए पूछा होगा, बिना एनसीईआरटी के तो नहीं पूछा होगा, बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा और लास्ट ईयर ही बनाए ये क्वेश्चन, मैं भी पहली बार ये भी देख रहा हूँ। ठीक है तो मैं शेयर कर दूंगा एनसीईआरटी का वाला पेज, तुम कॉपी कर लेना उतना। एंड डाउट ऑन क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28? एम्फोटेरिक ऑक्साइड SNO2 होता है, वैसे याद रखना है SNO2 ये बहुत डिटेल में आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, बट स्टिल अभी यहाँ पे आया तो ध्यान रखना है SNO2 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कोई डाउट 27 में, या हो गया है 27? कॉपर मेटल फ्लोरीन नॉन मेटल सिलिकॉन, अच्छा इसमें नॉन मेटल ट्रांजिशन मेटल ये सब कुछ दे रखे हैं, तो कॉपर आ जाएगा ट्रांजिशन मेटल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगा, फ्लोरीन आ जाएगा नॉन मेटल्स में, सीरियम लेंथेनाइट्स में, और सिलिकॉन मेटलॉइड में। चलो क्लियर इतना? यस सर। ठीक है, होमवर्क एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 जिसका जो भी पेंडिंग है कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट वीक जब भी जैसा टाइम मिलेगा इसको डिस्कस करेंगे, मैं मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक में, उसके लिए ITC यदि तुम्हें लेक्चर नोट्स है उसे एक बार रिवाइज कर लेना, वो सब कुछ वापस से यहाँ पर मतलब एक रिविजन काइंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है सेशन एंड कर दूं मैं।